दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने वाले हैं, साल 2022 में गौरी तृतीया व्रत कब है और माँ गौरी के आशीर्वाद पाने के लिए, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए, अखंड सौभाग्यवती व्रत करने के लिए आपको कैसे पूजा करनी है, इसकी सारी जानकारी दे रहे हैं। साल में दो ही बार गौरी तृतीया का व्रत आता है, चैत्र नवरात्रि पे गौरी तृतीया और अश्विन नवरात्रि पर गौरी तृतीया। इसीलिए ये अपने सुहाग के लंबी आयु के लिए यह व्रत करते हैं। इसमें शिव पुराण में बताया गया है कि गौरी तृतीया जो भी करेगा उसको सुख समृद्धि शांति और अखंड सौभाग्यवती पति की लंबी आयु, दिन दुगनी रात चौगनी, व्यापार में बढ़ोतरी, धन में बढ़ोतरी, आप जो चाहे वो मनोकामना आपकी सबकी पूर्ण हो सकती है। तो लेकिन आपको गौरी तृतीया व्रत करना पड़ेगा। अगर आप पूजा वगैरह नहीं भी कर रहे लेकिन आप उसका उपवास कर लेना। इस बार योग संयोग से गौरी तृतीया व्रत सोमवार के दिन 4 मार्च के दिन आ रहा है। सोमवार होने से, चैत्र नवरात्रि होने से इसका कई गुना, करोड़ों गुना इसका महत्व अधिक बढ़ गया है दोस्तों। और मेरे दीदियों बहनों सबको मेरे यही कहना है कि गौरी तृतीया व्रत 4 मार्च को आ रहा है, तो आप सब लेडीज़ों ने अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करना अवश्य है। अगर आपको किसी को डायबिटीज़ है, किसी को बीपी है, तो आप एक टाइम फरियाल कर सकते हैं और एक टाइम खाना खा सकते हैं, लेकिन गौरी तृतीया ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत रहता है। उपवास आप सबको अपने बच्चे के लंबी आयु के लिए, पति के लंबी आयु के लिए, अपने घर में सुख शांति बनने के लिए, और आपका कैसा भी कार्य हो वो अगर वो बन नहीं रहा है तो गौरी तृतीया व्रत कर लो, तो इससे आपके सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होगी, आपके सभी काम बन जाएंगे। और अगर आप कर सकते हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे एक घी का दिया अवश्य लगाए उस दिन सोमवार के दिन, और बिल्व पत्र के वृक्ष के नीचे जड़ के पास जल डालकर और गाय के घी का दिया और शक्कर थोड़ी डालकर आना। आपके कैसे भी कार्य हो वो बन जाएंगे, और बाकी काम तो माँ गौरी माता ही अपना काम कर देगी, आप भरोसा रखो गौरी माता पे। तो दोस्तों आइए जानते हैं हम गौरी तृतीया के व्रत के बारे में। शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन माँ गौरी यानी पार्वती की कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से गौरी तृतीया का व्रत किया जाता है। इस बार यह व्रत 4 मार्च को सोमवार के दिन आ रहा है, क्योंकि इसकी तिथि और इसकी गौरी तृतीया की तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, इसके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। तो गौरी तृतीया के शुभ मुहूर्त 10:18 पर तृतीया तिथि रहेगी। तो दोस्तों इस बार दिन गणेश और गौरी का पूजन करना भी फलदायी होता है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन माँ गौरी का व्रत करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और महिलाओं को सुख और सौभाग्य, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए ये व्रत अखंड सौभाग्यवती का व्रत है, इसलिए ये व्रत अवश्य करना होता है। तीज की तरह किया जाता है यह व्रत, तीज की तरह इसे उपवास भी किया जाता है। सुहागन महिलाएँ और कन्याएँ इस दिन व्रतों उपवास रखती है। इस व्रत की खास बात यह है कि कुंवारी कन्याएं अपने मन वंचित वर पाने के लिए यह व्रत करती है, और सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती है। इस व्रत से कन्याओं को विवाह में आने वाली बाधा को राहत मिलती है और उनका विवाह जल्दी योग बनते हैं और अच्छा वर मिलता है। सुहागन स्त्रियों को इस व्रत से संतान सुख की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, इसलिए लेडीजों ने यह व्रत अवश्य करना है। उसकी पूजा विधि क्या है? गौरी तृतीया व्रत के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त कर माता पार्वती का ध्यान करना पड़ता है। सबसे पहले उपवास का संकल्प किया जाता है। संकल्प के बाद माँ गौरी के साथ भगवान शंकर की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करके रोली, मेहंदी, सिंदूर, अन्य सुहाग सामग्री से माता जी की पूजा की जाती है। इसके बाद इसकी आरती करके कथा सुननी चाहिए। श्रृंगार की चीजें किसी जरूरतमंद को दान दे, और इस दिन नवरात्रि होने के कारण किसी को दान दोगे तो अपने पति की लंबी आयु की ही कामना करने की उनको बोल
बोलना। तो दोस्तों, गौरी तृतीया की व्रत कथा क्या है इसके बारे में भी जानते हैं। पुराणों में गौरी तृतीया व्रत की महिमा का उल्लेख मिलता है। माता जगदम्बा ने राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। माता सती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, इसके लिए उन्होंने जप तप किया था। माता सती के कई नाम है, उनसे एक गौरी भी यह नाम है। जिस दिन माता सती का भगवान शिव के साथ विवाह हुआ था, उसी दिन माघ के शुक्ल पक्ष तृतीया का दिन था। इसलिए इस उपास उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और पति के लंबी आयु के लिए यह व्रत किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरी दी गई जानकारी आपको पसंद आती है। तो वीडियो को एक लाइक करें, एक लाइक आपका मेरे लिए आत्मविश्वास और आत्ममनोबल बढ़ाता है। इसलिए एक लाइक शिव पार्वती के नाम से और अपने पति के लंबी आयु के लिए एक लाइक ज़रूर दें। कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे शालिनी भक्ति सागर पर। बोलो अम्बे माता की जय, गौरी माता की जय।